आप लोग आई होप पढ़े होंगे अपनी लाइफ में एंजॉय कर रहे होंगे बेसिकली आज हम देखेंगे एक्स लुकअप एक्स लुकअप मैंने ऑलरेडी दो वीडियो बना रखी है एक बार आप जाके प्लेलिस्ट में वीडियो कर लेना मैंने आपको उसमें बताया था सारे फीचर्स बताए थे कैसे हम लुकअप लुक की जगह पे हम एक्स लुकअप यूज कर सकते हैं और कैसे हम लेफ्ट जो हमारा मोस्ट कॉलम होता है उसको हम मैच कर सकते हैं बट ऐसा लुकअप एच लुकअप में नहीं होता तो एक बार आप उसको जाके गो थ्रू कर लेना तो मैं आपको बताऊंगा आज एक्स लुकअप में वाइल्ड कार्ड फीचर तो वाइल्ड कार्ड बेसिकली मैं आपको बता दूंग क्या होता है वाइल्ड कार्ड बेसिकली थ्री टाइप्स के होते हैं एक तो होता है क्वेश्चन मार्क सेकेंड होता है एस्ट्रिक्स एंड थर्ड होता है टाइल्ड तो ये क्या करता है क्वेश्चन मार्क ये सिंगल कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करता है ये मल्टीपल करेक्टर मीन सिंगल और मोर करेक्टर और ये क्या करता है लिटरल को रिप्रेजेंट करता है लिटरल बेसिकली क्या होता है जैसे मैंने यहाँ पे लिखा डॉलर सिंबल, मैंने यहाँ पे ही लिख दिया तो ये सारे लिटरल्स में आएंगे तो सिंगल कैरेक्टर मीस जैसे कि मैंने क्या किया यहाँ पे लिखा ए क्वेश्चन मार्क ई तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा तो मैं अगर लिखता हूं ए पी ई तो ये एफ को रिप्रेजेंट करेगा क्योंकि यहाँ ए और ई e के बीच में सिंगल कैरेक्टर आ रहा है ए आर ई को रिप्रेजेंट करेगा बट ए डबल पी एल ई को नहीं करेगा क्योंकि यहाँ पे थ्री कैरेक्टर्स आ रहे हैं बट अगर मैं बात करू स्टार मीन्स एस्ट्रिक्स की जैसे मैं लिखता हूँ टेस्ट तो ये क्या करेगा ई e, एस को रिप्रेजेंट करेगा लाइक like मैंने यहाँ पे ऐसे लिखा टी एस्ट्रिक्स देन टी तो जो भी यहाँ पे सिंगल और मोर करेक्टर्स हैं उनको रिप्रेजेंट करेगा एस्ट्रिक्स अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया टी आर आई डबल जी ई आर और मैंने ऐसे इसको एक्स लुकअप में दे दिया टी एस्ट्रिक्स आर तो इसके बीच में जितने भी कैरेक्टर्स हैं उनको ये रिप्रेजेंट करेगा अब मैं बात करूं लिटल्स की लिटल्स में अगर हमें फाइंड करना है कि लिटल्स कहाँ पे यूज हो रहा है सेल्स में तो मैं क्या करूंगा सिंपली जस्ट ऐसे लिखूंगा स्टार देन मैं टाइल्ड का यूज करूंगा तो ये क्या करेगा जहां भी सेल्स में मिलेगा इसको लिटल्स उसको वो फाइंड कर लेगा तो अब हम देखते हैं कैसे हम यूज कर सकते हैं इसको एक्स लुकअप में अपने तो इसको मैं डिलीट कर देता हूं जितने भी मैंने यहां पे लिखा है अब मैं इन तीनों वाइल्ड कार्ड का यूज करूंगा एक्स लुकअप में तो मैं यहाँ से साइज इनक्रीज कर देता हूँ ताकि आपको प्रॉपर दिखे तो यहाँ पे मैं लिखूंगा इक्वल टू एक्स लुकअप पहले हम क्या करते थे कोई भी लुकअप वैल्यू यहाँ से लेके ऐसे सिलेक्ट कर लेते थे कोई भी जैसे हमारी यहाँ पे एप्पल की सेल्स हैं या बनाना कोई भी एक हम सेल्स रेंडमली सिलेक्ट कर लेते थे बट मैं यहाँ पे अब क्या करूंगा मैं डबल कोटेशन के बीच में वाइल्ड कार्ड का यूज करूंगा मैंने यहाँ पे डबल कोटेशन लगा दिया अब उसमें मैं क्या करूँगा मैं यहाँ लिखूँगा ए स्टार ई e. देख सकते हो आप यहाँ पे, जैसे मैंने आपको बताया था अब मैं लुकअप वैल्यू लूँगा कंट्रोल शिफ्ट डाउन सिलेक्ट कर लिया मैंने कॉमा प्राइस का कंट्रोल शिफ्ट डाउन कॉमा इफ नॉट फाउंड इसके लिए मैं डबल कोटेशन के बीच में ब्लैंक कर देता हूँ मुझे कोई भी अभी ईर हैंडल नहीं करनी है मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कैसे आप इधर हैंडल कर सकते हो अब मुझे तो, तो यहाँ पे आप देख सकते हो हंड्रेड आ, है। आ रहा है क्योंकि मैंने लिखा था ए एस्ट्रिक्स ई तो यहाँ पे डबल पी एल उसके बीच में आ रहा है तो इसने क्या किया एप्पल को ले लिया अगर मैं यहाँ पे क्या करता हूँ मैं अगर लिख देता हूँ बी एंड ए तो आप अपने माइंड में सोचो आप क्या आएगा क्या रिटर्न करेगा ये तो बेसिकली ये बनाना रिटर्न करेगा क्योंकि ए एन ए एन आ रहा इसके बीच में बी और ए के तो मैंने बी और ए के बीच में क्या लिखा है एस्ट्रिक्स तो रिप्रेजेंट करेगा किसको A ए एन ए एन क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि ये सिंगल और मोर कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करता है तो मैंने इंटर कर दिया तो यहाँ पे देखो फाइव हंड्रेड आ रहा है ऐसे में एक और देख लेता हूं ताकि आपको आइडिया लग जाए कैसे हम यूज कर सकते हैं आप कभी भूलोगे नहीं देन मैंने यहाँ पे लिख दिया N अब आप दिमाग में सोचो अपने क्या आएगा यहाँ पे यहाँ पे आएगा वॉटर मेलन का जो भी प्राइस है तो यहाँ पे मैंने इंटर कर दिया तो यहाँ पे देखो टू फाइव डबल जीरो रिटर्न कर रहा है प्राइस तो ऐसे हम यूज कर सकते हैं वाइल्ड कार्ड का एक्स लुकअप में अब नेक्स्ट मैं देखना चाहता हूँ सिंगल करेक्टर रिप्रेजेंट करना है मुझे तो सिंगल करेक्टर के लिए बेसिकली क्या करेंगे यहाँ पे तो ऐसा कोई है ही नहीं कि जो हम सिंगल रिप्रेजेंट कर सके तो अगर मुझे लेट्स से मुझे कीवी लेना है तो कीवी के लिए मैं क्या करूँगा यहाँ पे लिखूंगा के एंड यहां मैं लिखूंगा दो बार लिखूंगा मैं क्वेश्चन मार्क देन आई तो अब क्या रिप्रेजेंट करेगा ये कीवी को कीवी का प्राइस कितना है नाइन थाउजेंड डॉलर वही आ रहा है यहाँ पे तो मैंने दो बार किया तो मतलब आई और डब्ल्यू को ये रिप्रेजेंट कर रहा है अगर मैं क्या करूं जस्ट मैं क्या करता हूं मैं लिखता हूं क्वेश्चन मार्क देन के तो अब देखते हैं बेसिकली क्या रिटर्न करेगा ये तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है एप्पल को ही रिप्रेजेंट कर रहा है क्योंकि यहाँ पे मैंने आपको पहले ही बता दिया कि अगर सिंगल कैरेक्टर है रिप्रेजेंट कर पाएगा अगर मैं यहाँ पे क्वेश्चन मार्क जगह पे मैं यहाँ पे आप देख सकते हो अगर आप, जैसे कोई हो रही है, तो पहले आप जो भी स्टार्टिंग यहाँ पे आप देख सकते हो जो वर्ड है अगर स्टार्टिंग बी है तो यहाँ आपको पहले बी लिखना पड़ेगा देन क्वेश्चन मार्क तो वो क्या करेगा जो भी फर्स्ट करेक्टर जिससे स्टार्ट हो रहा है वो उसको ले लेगा रैंडमली मैंने अगर मुझे ऑरेंज लेना है देन देन मैं क्या करूंगा? देन तो क्या करूंगा ओ लिखूंगा क्वेश्चन मार्क तो करेगा ऑरेंज का जो भी प्राइस है वो रिप्रेजेंट कर देगा इसी टाइप में आप एस्ट्रिक्स का भी यूज कर सकते हो अगर मैंने ओ स्टार लिखा है देन क्या करेगा ये सेवन फिफ्टी रिप्रेजेंट करेगा जो भी इसका प्राइस है ऑरेंज का तो ऐसे आप यूज कर सकते हो मैंने आपको बताया था टाइल्ड टाइल्ड बेसिकली जहां पे एस्ट्रिक्स है उसको फाइंड करेगा तो मैंने क्या किया यहाँ पे जस्ट मैं लिख दूंगा टाइल्ड एस्ट्रिक्स तो अब इसमें देखेगा कौन से ऐसा सेल्स हैं जिसमें एस्ट्रिक्स का यूज हो रहा है देन उसको क्या करेगा वो रिप्रेजेंट कर देगा तो रिटर्न क्यों कर रहा है इसलिए रिटर्न कर रहा है क्योंकि यहाँ पे मैंने फॉर्मूला ही गलत लगाया हुआ आपको मैंने इसलिए यहाँ पे लिखा ताकि आपको भी ऐसी गलती ना करो आप भी कंफ्यूज हो जाओगे जब आप वाइल्ड कार्ड का यूज करोगे तो यहाँ पे देखो मैंने क्या किया है वाइल्ड कार्ड यहाँ पे पहले ही लिख दिया है बट ऐसा आपको नहीं करना है पहले आपको एस्ट्रिक्स स्टार्ट हो रहा है तो डबल एस्ट्रिक्स लिखेंगे हम देन वाइल्ड कार्ड लिखेंगे यहाँ पे तो अब क्या करेगा ये लेमन का जो भी प्राइस है वो रिटर्न कर देगा तो यहाँ पे देख सकते हो सिक्स आ रहा है तो एक चीज मैं और आपको दिखाता हूँ अगर मैं यहाँ पे एस्ट्रिक्स डबल है अगर मैं सिंगल ही लिखता हूँ देन क्या होगा आ रहा तो आप सिंपल देख सकते हो ऐसे वो देखता है कि जितने भी यहां पे पे एस्ट्रिक्स हैं वो आपको यहां पे लिखने पड़ेंगे अदरवाइज तो नहीं शो करेगा अगर मैं यहाँ पे डबल करता हूँ डबल यहाँ पे है तो डबल ही आपको लिखना पड़ेगा तभी वो रिप्रेजेंट करेगा तो यहाँ पे देखो अब सिक्स हंड्रेड ही आ रहा है प्राइस लेमन का तो ऐसे आप यूज कर सकते हो वाइल्ड कार्ड का एक्स लुकअप तो देखा हमने कैसे देख लिया हम सिंगल करेक्टर हमें अगर लेना है देन हम क्वेश्चन मार्क यूज करेंगे अगर हमें मल्टीपल कैरेक्टर यूज़ करेंगे अगर हमें किसी भी लेटरल को फाइंड करना है सेल्स में देन हम क्या करेंगे टाइल का यूज करेंगे तो आप भी ऐसे कर देख करके देख सकते हो अगर आपको कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो ठीक है तो आज के लिए एंड करते हैं